नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनजीटी क्लासेस में स्वागत है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेट्स. सेट्स, ओके, सेट्स, यू नो दैट सेट. सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी पार्ट इस लेसन का बचा है उसके बारे में. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स के जो भी प्रकार पड़ते हैं, मतलब जो भी उनकी कैटेगरीज होती है उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट है कि आपके पास सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स. सेकेंड टाइप आपके पास है नल और जीरो सेट्स. थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट्स. एंड लास्ट वन इज़ इनफाइनाइट सेट्स. सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ द सेट्स. ओके, तो अभी पहले तो बात करेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या होती है. तो सेट्स का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है. सो फर्स्ट इज वन ऑफ द सेट, सिंगलटन सेट्स मीन्स द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इन इट इज नोन एज सिंगलटन सेट. कि जो सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, एक ही चीज़ रहेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट. सेकेंड है नल और द जीरो सेट, द एम्प्टी सेट, ओके, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं. द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी और नल सेट. जिस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है उसको हम लोग नल और जीरो सेट बोलते हैं. थर्ड है फाइनाइट सेट्स, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट. एंड इफ द एलिमेंट्स और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल एंड इन्फिनाइट देन दैट सेट इज नोन एज इन्फिनाइट सेट. ओके, सो फाइनाइट सेट in which we can easily count the number of elements and the infinite set in which we cannot possible to count the number of elements. So these are the four types of the sets. Okay, आगे जाके बहुत सारे मतलब आपको categories मिलेंगी कि sets क्या equal sets है, उसके बाद है unequal sets है, subset है, universal set है, then the union of set है, then the intersection of set है. ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, सो वील डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके, फर्स्ट इज अ सिंगलटन सेट, से कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. जो भी सेट कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं हम लोग. आपको एक बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया है वो क्या है, ए इज द सेट ऑफ ई वन प्राइम नंबर. ए इज द सेट ऑफ ई वन प्राइम नंबर. ओके, अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं ए इज द सेट ऑफ ई वन प्राइम नंबर, देन इट इज ओनली, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट दैट इज टू. टू इज ई वन प्राइम नंबर. एक ही ऐसा है कि ई वन प्राइम नंबर का आपको मतलब पता रहेगा कि जिसके अंदर, ओके, सो मैं निकाला ए इज द सेट ऑफ ई वन प्राइम नंबर. ओके, कि प्राइम नंबर का मतलब आपको पता है कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, दैट नंबर इज नोन एज द प्राइम नंबर. कि ऐसा एक अंक रहता है, ऐसा एक मतलब नंबर रहता है कि जो खुद से ही डिवाइड होता है और एक से उसको डिवाइड किया जा सकता है. सो दैट नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर. सो सपोज द सेट विच कंटेन्स ओनली even prime number, so it is only one even prime number is there, that is 2. So this type of set is known as first singleton set, ki jiske andar ek element hota hai. Okay, so this is one of the example. Null or empty sets contains no elements. Okay, the set which contains no element is known as null or empty set. To maan lete ki hum example le lete, b is a set of number बिटवीन 2 एंड 3, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3. ओके, मैंने इसको निकाल दिया इस तरह से. देखो मैं एग्जाम्पल निकालता हूँ बी. ओके, सो हम लिखते y ऑफ y इज ए नेचुरल नंबर. क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, नंबर बिटवीन 3 एंड 4. तो 3 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है क्या नहीं आता है. आप 4, 5 भी ले सकते हैं, कोई भी जो कनेक्टेड नंबर्स रहते हैं उनका एग्जांपल ले सकते हैं. दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू. या आप एक ही चीज़ याद रखने की जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता उसको नल सेट बोलते हैं.
it is a null set, okay, or it is empty set without any element, okay, जिसके अंदर कोई भी element नहीं है, okay, उसको empty set भी बोल सकते, नहीं तो हम लोग उसको null set बोल सकते, तो मैं इसको निकाल दूंगा B, so मैं इसको listing method में लिखता हूँ, तो ये ऐसे है empty, और मुझे क्या लिखना है नहीं तो this is the symbol of pi, okay, इससे हम लोग इसको represent करते, okay, जो भी रहेगा आपका null और empty set, उसको एक तो ऐसे empty represent करो, नहीं तो इस तरह से represent करो, okay, this is the symbol. Now the finite sets, okay, finite sets जो है the sets which contains limited numbers and countable numbers or limited elements and countable elements. Those set in which the number of elements are limited and countable, that sets are known as finite sets, okay, कि finite है, okay. तो आप यहाँ पे कोई भी example लो, C is a set, okay, C, so यहाँ पे y लिए में x colon x is a number between, आप कोई और भी example, 1 and 26 divisible by 5, मैंने ये ना, मैं एक example ले लिया, x colon x is a number between 1 and 26 divisible by 5, आप खुद भी example खुद के लिख सकते, it's very easy. अभी मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा number है जो 5 से divide होता है, और वो उसका जो है range 1 to 26 है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 first आएगा, 10, 15 आएगा, 20 आएगा, 25, so these are the numbers which are divisible by 5, okay, so this is nothing but the finite set, I can count the numbers, okay, 1, 2, 3, 4, 5, so that's why it is known as finite set, and the last is the infinite sets, okay, the sets, or the set which contains unlimited and uncountable element is known as infinite set, so set of natural numbers, set of integers, set of whole numbers, set of rational numbers, set of irrational numbers, these all are the examples of what? Infinite sets. ये सारी के सारी examples हैं आपके, तो उनको infinite sets बोलते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे एक example लिखता हूँ, n is the set of natural numbers, so 1, 2, 3 and dot dot dot, so it is unlimited, इसको मैं count नहीं कर सकता, okay? तो ये सारे के सारे types हैं, singleton set है हमारे पास, null और empty sets है, finite set है and infinite सेट्स, ओके, ये सारे के सारे एग्जाम, मतलब ये टाइप्स ऑफ सेट्स है, और इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हो हम लोग को, मतलब बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं, आप भी अगर पढ़ते हो तो आपको भी बहुत इजीली, ओनली यू जस्ट यूज योर ब्रेन एंड योर थिंक, ओके, एवरी टॉपिक, व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर गिवन इन द अल्जेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस और हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी और मराठी, हिंदी और संस्कृत, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आर देयर, व्हाट आर द कंटेंट इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड जस्ट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आपको पहले कंसेप्ट को समझना है, अगर वंस आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है एग्जैक्टली, तो आप ईजिली इसका स्टडी कर सकते हो, ओके, सो दीज आर द टाइप्स, इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड फाइनली विल डिस्कस अबाउट द इक्वल सेट्स, इक्वल मतलब ऐसे सेट्स है कि जिनके अंदर के एलिमेंट्स दो सेट्स, मतलब एक दो, ओके, ऐसे दो सेट्स के अंदर के एलिमेंट सेम रहते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स. ओके, सो वील डिस्कस अबाउट सम गिवन सॉल एग्जांपल्स जो आपके बुक के अंदर दे दिए, तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल कैटेगराइज दैट एग्जाम्पल्स इन टू फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट्स. ओके, तो पहला एग्जाम्पल देख लो, ए इज द सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स ऑफ एक्स, इसको बोलते एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स क्या है, ऑड नंबर है, तो चलो लिखते हैं इसको हम लोग, अगर लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में लिखना है हम लोग को इसको, वी विल कैटेगराइज दिस बाय राइटिंग दिस ऑल थिंग्स इन द लिस्टिंग मेथड, सो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, इसको लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, ऑड नंबर है, इट इज ऑड नंबर, ओके, एक ऑड नंबर है, तो कैसे लिखेंगे, ऑड नंबर कौन कौन से हम लोग को पता है, थ्री है, देन फाइव, देन सेवन, देन नाइन एंड सो इट इज
uncountable. It is uncountable and unlimited. Okay, so this is what? Infinite set. Infinite set. Okay, infinite matlab isko count nahi kar sakte. Infinite matlab infinite set. Okay, this is the numbers which are odd numbers, and that all odd numbers are uncountable. Okay, so b is a x colon x belongs to n, matlab natural numbers ko belong karta hai. 3x minus 1 is equal to 0. Okay, तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये जो दिया है इसको सॉल्व करेंगे, देखते क्या है. 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3. ओके, ये 1/3 आएगा. सो अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखेंगे तो इसको हम लोग, सो एक्स इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब अगर ये नेचुरल नंबर नहीं तो बी इज एम्प्टी सेट. क्या आएगा बी, क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट आएगा, जिसके अंदर कोई भी नंबर नहीं रहता, एम्प्टी और नल सेट बोलते हैं. एंड उसकी कैटेगरी जो है फाइनाइट सेट में आती है, उसकी कैटेगरी जो है फाइनाइट सेट में आती है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नल और एम्प्टी सेट, एंड इट इज़ कैटेगराइज इन द फाइनाइट सेट्स. ओके, सी ए ऐसा हमारे पास सी एक सेट है. एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज डिविजिबल बाय 7. कि एक्स जो है 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए. तो देखो क्या आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, देन 21 आएगा, एंड इट इज़ अनकाउंटेबल. ओके, 7 से बहुत सारे नेचुरल नंबर्स डिविजिबल है. ओके, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट. ओके, तो इसकी कैटेगरी आएगी इन्फिनाइट सेट. देन ए एंड बी, ओके, ए कॉमा बी कॉलन ए ऑब्लिक बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू. डब्ल्यू इज़ वट, होल नंबर, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 9. हम लोग को अभी होल नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, और उसका एडिशन जो है हमारे पास 9 आनी चाहिए. कितनी आनी चाहिए, उनकी एडिशन 9 होनी चाहिए. तो पहले तो हम लोग 0 9 लिखेंगे, राइट, उसके बाद में 1 8 लिखेंगे, उसके बाद में 2 7 लिखेंगे, उसके बाद में 3 6, बाद में क्या लिखेंगे, 4 5, बाद में वापस 5 4, बाद में क्या लिखेंगे, 5 4 के बाद क्या आएगा, 6 3, वापस 7 2, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 2 के बाद क्या लिखेंगे, 8 1, एंड फाइनली 9 0. सो ऑल दी नंबर्स, ओके, उनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए. सो ये सारे के सारे होल नंबर्स है, एंड वी कैन काउंट दिस पेयर्स ऑफ नंबर्स. ओके, सो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनाइट सेट. इसकी कैटेगरी जो है फाइनाइट सेट. ओके, दिस ऑल आर दी सॉल एग्जाम्पल्स. आपके बुक के अंदर ये सारी की सारी सॉल एग्जाम्पल्स दिए, मतलब दे दिए, खाली मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए फाइनाइट सेट क्या है, इन्फिनाइट सेट क्या है. ओके, इनफाइनाइट सेट क्या है और फाइनाइट सेट क्या है. कि नंबर काउंटेबल रहेंगे तो फाइनाइट है, अगर नहीं रहेंगे तो इनफाइनाइट है. ओके, वो हम लोग को समझ. एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आई मीन्स इंटीजर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 100. अभी एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 100 आएगा, मतलब ऐसे दो नंबर लेना जिनका स्क्वेयर -10 और +10 है. ओके, ये दोनों का स्क्वेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, 100 आएगा. सो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, सो इट इज़ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट. ओके, ए कॉमा बी फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीटेड कॉलन ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू इज़ रैशनल नंबर. ओके, ए प्लस बी इज 11. ओके, अभी ऐसे कितने पेयर्स हम लोग लिख सकते हैं इसके, देखो बहुत सारे लिख सकते हैं. एक तो रैशनल नंबर है, काउंटेबल है, सो फर्स्ट हम लोग को 11 आना चाहिए, तो मैं 5 6 लिख देता हूँ. बाद में पॉइंट में भी लिख देंगे तो 5.5 लिखेंगे, यहाँ पे 5.5 भी लिख सकते हो वापस. ओके, सो नेगेटिव लिखेंगे तो देखो -16 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे, +16 लिखे, -5 लिखेंगे. सो अगर इसको मैं काउंट करता हूँ, मतलब कितने पेयर्स मुझे जितने चाहिए उतने मैं लिख सकता हूँ, अनकाउंटेबल, मतलब जिनकी खाली एडिशन है वो क्या होनी चाहिए, 11 आनी चाहिए. सो दीज ऑल आर दी इन्फाइनाइट. ओके, इन्फिनाइट और इन्फाइनाइट. ओके, सो काउंट नहीं कर सकता मैं नंबर्स. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है,
रैशनल नंबर्स के पेयर लिख के आपको उसकी एडिशन की तो कितनी आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए, कंडीशन है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स, 6 एग्जांपल्स विच आर गिवन इन योर बुक एंड दिस ऑल आर दी सॉल एग्जांपल्स। ओके, आपको खाली समझने के लिए वो दे दिए, तो आप एक बार अगर अच्छी तरह से देखते हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स एंड देन विल स्टार्ट टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, तो बात करते हैं इक्वल सेट्स के। इक्वल सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं कि जिनके अंदर के एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, मतलब दोनों के दोनों सेट रहेंगे और उनके सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, सेम। ओके, दैट टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट्स। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बुक में भी दिया है। फर्स्ट ए सेट ले लेते, एक्स कॉलन एक्स, ओके, इज अ नंबर, इज अ वर्ड, और उसको बोलते लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। ओके, ऑफ वर्ड साइलेंट इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। ओके, एक्स ऑफ एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। ओके, एक लेटर है मतलब वर्ड साइलेंट में से। और सेकेंड एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं हम लोग, वाई कॉलन वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड लिसन। लिसन हम लोग को तो अच्छी तरह से पता है, तो आप अगर इन दोनों को भी देख लेंगे एक बार अभी, तो देखो x कॉलन x इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट एंड y कॉलन y इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ ना अभी, लिस्टिंग मेथड में इनको काउंट करूँगा, तो मुझे मिलेगा a, ओके, s i, ओके, l e n और t, ये सारे लेटर इसके अंदर है। ओके, तो साइलेंट हो गया। ओके, साइलेंट। अभी B को भी मैं लिखता हूँ लेटर्स में, तो मुझे B के अंदर भी सेम लेटर्स मिलेंगे, देख लो आप चाहे तो। मैं इसी फॉर्मेट में I L E N T, आपको चाहिए था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो। ओके, आपको अगर लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। तो इस तरह के जो भी सेट्स रहेंगे कि जिनके अंदर के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, तो आप जान लो सेट्स क्या है इक्वल सेट्स से। दो तीन एग्जाम्पल और भी दिए, टू थ्री मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द बुक एंड यू कैन मेक योर ओन एग्जाम्पल ऑल्सो। आप खुद के भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो, तो आप कंपेयर करके उनको प्रूव कर सकते हो कि दिस सेट्स आर द इक्वल सेट्स। ओके, सो यू नो दैट सिंगलटन सेट इज द नल और एम्प्टी सेट इज द, देन थर्ड वन इज द फाइनाइट सेट, लास्ट इज इनफाइनाइट सेट इक्वल सेट्स, और उसके आगे आ सकता है अनइक्वल सेट्स आ सकते हैं, राइट ना। एक तो इक्वल आएंगे, नहीं तो अनइक्वल आएंगे फिर। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या मतलब सेट्स के, मतलब ये सारे के सारे टाइप्स हैं, मतलब दिस आर दी ऑल टाइप्स ऑफ द सेट्स। तो यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट टॉपिक है ना सेकेंड प्रैक्टिस सेट का, वो यहाँ पे हम लोग एंड करते और अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देंगे। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि थ्री सेट्स आर गिवन एंड वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट सेट्स आर इक्वल सेट्स और नॉट एंड वी हैव टू जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन व्हाई दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स एंड व्हाई दीज सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। आपको क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन देना है, आपको रीज़न देना है, आपको प्रूव करना है ये सेट्स इक्वल है कि नहीं। तो पहला हम लोग ले देते हैं ए का, हम लोग के पास है दिस ए इज गिवन। ओके, सो ए इट इज द सेट, ओके, एक्स कॉलन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये इसका स्टेटमेंट है। तो चलो इसको सॉल्व कर, देर फोर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देर फोर 3x 2 प्लस 1 है, देर फोर 3x इज इक्वल टू 3, देर फोर एक्स इज इक्वल टू 1। चलो एक्स हम लोग को क्या मिला, 1 मिला, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली ये सेट जो है ना इसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है एंड इट इज़ 1। ओके, सेकेंड सेट है हमारे पास बी, क्या दिया है बी, एक्स कॉलन एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा एक ही एलिमेंट है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज़ 1,
इसको नाइदर प्राइम हम लोग बोलते हैं नॉर कंपोजिट बोलते हैं। इसका भी वन ही आया। अभी लास्ट इज सी, सेट सी में क्या दिया है, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन टू। अगर नेचुरल नंबर में एक्स इज लेस देन टू तो उसमें भी एक ही आएगा, इट इज ऑल्सो वन। सो नाउ इफ वी ऑब्जर्व दिस थ्री, ओके तीनों के कंटेंट देखेंगे क्या है, सेम है। सो ए इज वन, बी इज वन एंड सी इज ऑल्सो वन। सो इन तीनों की तीनों सेट्स का आंसर हम लोग अगर सॉल्व करके निकालते हैं तो वन आता है। क्या आता है, वन आता है। दैट्स वाई दिस थ्री सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो हम नीचे लिख देंगे ए बी एंड सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द इक्वल सेट्स, ऐसा हम इजीली लिख देंगे। एंड दैट इज नथिंग नथिंग बट द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। ओके सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को द गिवन सेट्स आर इक्वल सेट्स और नॉट ये प्रूव करना है। तो देखते ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स। आप लोग को पता रहेगा कि ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स में खाली एक ही नंबर आता है टू, और वही एक नंबर इवन प्राइम नंबर है। ओके एंड नाउ सेकेंड बी इज व्हाट, एक्स कॉलन सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन। तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन को सॉल्व कर दे। देयरफॉर सेवन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्टीन, वन वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम फोर्टीन। देयरफॉर सेवन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू। देख लेंगे हम लोग कि x का जो वैल्यू है टू ही आया गया, देयरफॉर सेट b इज ऑल्सो वॉट कंटेंट्स ओनली वन इलेवन टू। ओके तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। सो द गिवन टू सेट्स, दिस इवन प्राइम नंबर्स एंड दिस, बोथ आर वॉट इक्वल सेट्स। अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स रहेंगे तो उनको इक्वल सेट हम लोग बोलते हैं। ओके सो दिस टू आर द इक्वल सेट्स एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड एग्जाम्पल। ओके दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉलन ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। हम लोग को यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ये प्रूव करना है विच सेट्स आर एम्प्टी सेट और नल सेट्स, और कौन से नल सेट है और कौन से नल सेट नहीं है, ऐसे हम लोग को प्रूव करना है। सो ए कॉलन ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो जीरो से छोटा रहेगा। ओके तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए इज व्हाट एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब। ओके नाउ बी एक्स ऑफ एक्स कॉलन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो बी में आएगा जीरो, ताकि जीरो का स्क्वेयर ही जीरो आएगा। ओके सो इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट, इसमें जीरो एलिमेंट है तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। और थर्ड क्या है, एक्स कॉलन फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो पहले ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, 5x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू टू। तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2 बाय 5। चलो x का वैल्यू निकाल दिया, अभी इसको हम लोग देखेंगे तो इट इज़ रैशनल नंबर। ओके एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। सो x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके सो दिस इज एम्प्टी सेट, इसको बोलेंगे हम लोग। सो सेट C इज वॉट एम्प्टी सेट, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए सेट सी इज एम्प्टी सेट, सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट एंड ए एंड सी आर द एम्प्टी सेट्स। ओके बिकॉज 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आपको इस तरह से सॉल्व करके आपको प्रूव करना है एम्प्टी सेट कौन सा है और एम्प्टी सेट कौन सा नहीं है। ओके तो सॉल्व कर दिया मैंने, तो फर्स्ट ए इज एम्प्टी सेट एंड सी इज एम्प्टी सेट एंड बी इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ओके सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2, फोर्थ एग्जाम्पल। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द गिवन सेट्स एज द इन्फिनाइट सेट और द फाइनाइट सेट। हम लोग को आइडेंटिफाई करना है गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट। ओके इनफाइनाइट सेट, तो चलो डिस्टिंग्विश करते हैं। ए फर्स्ट वन, एक्स कॉलन एक्स इज लेस देन टेन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अगर लेस देन टेन रहेगा तो हम लोग को पता है नाइन तक आएगा। ओके नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9. तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं इनको. सो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. ये आएगा फाइनाइट सेट. फर्स्ट y कॉलम y इज लेस देन माइनस वन. y इज एन इंटीजर. अभी यहाँ पे याद रखो माइनस वन से भी छोटे इंटीजर से. ओके तो माइनस वन से कौन से, माइनस टू है, माइनस थ्री है, और ये जो इंटीजर्स है दे आर दी अनकाउंटेबल. हम लोग काउंट कर नहीं सकते, इतने ही इंटीजर्स आएंगे. सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट. ये आएगा इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट. ओके सी सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर स्कूल. तो इट इज़ काउंटेबल सो इट इज़ फाइनाइट. हम स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं 9th स्टैंडर्ड में. ओके सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल सो इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट. सेट ऑफ apparatus इन द लेबोरेटरी. ओके इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल. लेबोरेटरी की apparatus हम लोग काउंट कर सकते हैं इसलिए फाइनाइट. सेट ऑफ होल नंबर्स नहीं काउंट कर सकते. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. ओके इनफाइनाइट आएगा. एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट. ओके इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते. ओके सो यहाँ पे जो जो टाइप्स आप लोग को दिए उनको खाली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है. ओके एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स. आप लोग ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दिस लेसन इज़ वन ऑफ द वेरी ईजी लेसन. इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेट्स. आपको ईजिली समझ में आएगा, आपको सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टूडियो वी विल ट्राई टू कम्प्लीट आवर रिमेनिंग टू टॉपिक्स. ओके वेन डायग्राम इज देयर and then the union of sets, then the intersection of sets, then the processes on set. सेट के ऊपर जो भी प्रोसेस है सारे के सारे हम लोग उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड इन कमिंग वीडियोज़ आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल वीडियोज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करूँगा 9th, 10th के लिए. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे. थैंक्स.